हाय फ्रेंड्स, तो आज हम चालू करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 के साथ। लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो वीडियो चालू होने से पहले एक डिस्क्लेमर और एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ हमारे चैनल को एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दीजिए एज ऑफ नाउ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं लेक्चर 2 के साथ, जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन पहली बात है क्या? मान लेते हैं कि एक बॉडी है जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे पड़ी हुई है, एक सराउंडिंग्स में, इन्वायरमेंट में। तो वो डेफिनेटली थर्मल इक्विलिब्रियम पे है उस इन्वायरमेंट के साथ, उसके सराउंडिंग्स के साथ। मतलब वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है वो उतनी एनर्जी एमिट भी कर रही है। तो हम एक आइडियल बॉडी क्या मान सकते हैं? एक आइडियल बॉडी को हम ऐसा मान सकते हैं जो कि हर इन रेडिएशन जो उस पर इंसिडेंट हो वो उसको एब्जॉर्ब कर ले और वो उसे एमिट भी कर सके। उसे हम एक आइडियल बॉडी मान सकते हैं, और हम इसी आइडियल बॉडी को ब्लैक बॉडी कहते हैं। मान लीजिए कैविटी है इधर, और बाहर एक ये हमने एक बॉक्स बना रखा है, उसके अंदर एक कैविटी है और एक रेडिएशन आई अंदर। तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होते होते परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने बनाया है ताकि ये रिफ्लेक्ट हो, और जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाए तब तक वो रिफ्लेक्ट हो। ये एक्चुअली कैविटी है, वो एक्चुअली स्कैन करते टाइम CA थोड़ा इधर से कट गया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये तब तक अंदर रिफ्लेक्ट होता रहेगा तब तक जब तक वो क्या कहते हैं वो एब्जॉर्ब ना हो जाए सरफेस द्वारा। तो ये हो गई एक ब्लैक बॉडी। अब हमें पता है कि अ ब्लैक बॉडी रेडिएट्स मोर व्हेन हॉट, एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ अ हॉट ब्लैक बॉडी हैज अ पीक एट हायर फ्रीक्वेंसी देन पीक इन स्पेक्ट्रम ऑफ अ कूलर वन। इसका मतलब हम इस ग्राफ से देख सकते हैं, जब एक बॉडी रिलेटिवली कूलर है तो उसका जो पीक आता है वो एट अ लेस फ्रीक्वेंसी आता है देन द पीक एट अ फ्रीक्वेंसी विच इज एट अ हायर टेम्परेचर। तो जैसे 1200 केल्विन वाला ग्राफ है उसका जो पीक आएगा वो लेस फ्रीक्वेंसी पे आएगा, और 1800 केल्विन वाले ग्राफ का जो पीक है वो एट अ हायर फ्रीक्वेंसी आएगा। ये जो ग्राफ है ये स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी है। इसे आप एक्चुअली इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी ऐसा ही होता है वैसे समझ सकते हैं। और हम क्या करते हैं, इधर मान रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स हो रहा है इस कैविटी के अंदर, जो कि एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब हम क्या देखेंगे, इस अगर वो स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म हो रहे हैं तो स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म हो रहे हैं उसका क्या मतलब हुआ कि जो पाथ लेंथ है फ्रॉम वॉल टू वॉल जो वो वेव कवर कर रहा है, जो रेडिएशन कवर कर रहा है, डेट शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेव लेंथ ऑफ द रेडिएशन, डेट इज लेमडा। तो हम क्या कहते हैं, क्योंकि अगर एक क्या कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म हो रहे हैं, तो स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म हो रहे हैं मतलब जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर नोड्स फॉर्म होने चाहिए क्योंकि वो तो फिक्स्ड सरफेस है। तो वहाँ नोड्स फॉर्म होने चाहिए। अगर नोड्स फॉर्म हो रहे हैं तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग वेव्स का जो हम फंक्शन दे रहे हैं, जी एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू डी ये न्यू डेट इज फ्रीक्वेंसी इज फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ न्यू टू न्यू प्लस डेल्टा न्यू इज गिवन बाय दिस थिंग डेट इज 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू बाय c³। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कैविटी। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करेंगे एवरेज एनर्जी पर स्टैंडिंग वेव। तो हमें पता है कि बाय इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी होती है वो होती है ½ kT। के क्या है, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, डेट इज इक्वल टू 1.381 × 10⁻²³ जूल्स पर केल्विन। फॉर अ मोनो एटोमिक गैस जो ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 3 होता है, तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ½ kT पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 3/2 kT हो गया। अब ये हो गया एवरेज एनर्जी पर स्टैंडिंग वेव। पर हमें पता है फॉर अ 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर एवरेज एनर्जी इज इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 2, तो 2 × ½ kT हो गया सिर्फ kT, ये आ गया kT फॉर अ 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर। फिर आता है
रेली जीन्स फॉर्मूला, उसमें क्या है कि हम यही कैलकुलेट कर रहे हैं जो एनर्जी है, ओके। पर उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने हाँ, तो उस केस में क्या आता है हमारे पास कि ये जो हमने देखा था, जो हम इधर कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल एनर्जी, ओके। तो जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी इधर, वो होगी नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इनटू द एवरेज एनर्जी पर स्टैंडिंग वेव, करेक्ट। तो वो आती है 8 पाई KT/c³ इनटू ये फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इनटू डी न्यू, ओके। न्यू इधर मतलब फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो हम देख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है, और फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी एनर्जी बढ़नी चाहिए, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह आना चाहिए। पर प्रैक्टिकली जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये ग्राफ कुछ इस तरह आता है, और इसे यही फिनोमिनन को हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रॉफी, ओके। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा इसलिए होता है कि हम इधर एक्चुअली एक टर्म भूल गए हैं। वो टर्म क्या है, ये वाला टर्म है जो हमने अभी इधर ऐड कर दिया है, ओके। ये एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने इधर लिखा हुआ है 8 पाई H/c³ इंटू दिस थिंग। अब H क्या है, ये है हमारे पास 6.626 × 10^-34, और हमने जो अप्रोक्सीमेशन लगाया फॉर e^(x=1+x+x²/2 फैक्टोरियल, और फॉर स्मॉल x हम x² एंड हायर पावर ऑफ x को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आएगा 1+x। तो e^(hc/kT) जो है 1/this thing, उसको हमने 1+hc/kT नहीं, hν/kT, ये गलती हो गई, ये hν/kT है, ओके। तो hν/kT-1 को लिख दिया 1+hν/kT-1, 1 और -1 कैंसिल, तो ये आ गया kT/hν, और फॉर hν इज मच मच स्मॉलर देन kT, हमें पता है कि ये, ओके। तो हाँ, ये टर्म जो ऊपर वाला टर्म था उसको हमने ऐसे वापस लिख दिया, और इस टर्म के लिए फॉर hν इज मच मच स्मॉलर स्मॉलर देन kT, ये इस टर्म, ये hh कैंसिल हुआ, न्यू और न्यू क्यूब न्यू स्क्वायर बन गया, तो ये वाला टर्म आ गया, और यही टर्म था जो हमें इधर मिला था रेली जीन्स फॉर्मूला में, ओके, फॉर द टोटल एनर्जी। लेकिन ये तभी वैलिड है जब हम अजम्पशन ले रहे हैं कि hν इज मच मच लेसर देन kT, और रियल फॉर्मूला है ये वाला। तो इसलिए जो हमें प्रैक्टिकली ग्राफ मिल रहा था वो ऐसा था क्योंकि आगे जाके hν मच मच लेस देन kT वाला जो हमारा अजम्पशन है वो फॉल्स हो जा रहा है, ओके। और एक्चुअल एवरेज एनर्जी पर स्टैंडिंग वेव इससे निकल के आती है hν/e^(hν/kT-1। और आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही था, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे मॉडर्न फिजिक्स की ये प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।